でも。I hate गुड इवनिंग सभी को पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है ठीक है जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी टेन प्लस टू का जो पेपर हुआ है उस पेपर में ठीक है आपके कंप्यूटर के हर एग्जाम में आपके तो, कंप्यूटर से संबंधित हर पेपर में बारह क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं तो आज ही इन कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है इनके डिटेल सोल्यूशन की बात करें ठीक है जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कंप्यूटर की जो मैराथन क्लास मैंने नहीं ली है सबसे पहले तो वो मैराथन क्लास ले लें ठीक है उस मैराथन क्लास में से हुबू बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटी के एग्जाम में में मिलेंगे तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के किस तरह के प्रश्न पूछे गए ठीक है क्लास नोट में से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं ठीक है मैं आज ऑप्शंस के साथ साथ में आप लोगों को प्रूफ के साथ में कई लोग कहते हैं कि साहब जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को क्लास नोट्स में जो हमारा करवाया जाता है उनमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए वो भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में ताकि ठीक है वो भी इस सेशन के माध्यम से जुड़ सके तो ये 11 तारीख को जिन विद्यार्थियों का सीटी का पेपर है उन विद्यार्थियों के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को प्रूफ के साथ में हम देखेंगे आज एक एक क्वेश्चन को प्रूफ के साथ में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में और यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखो ठीक है यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन की कहानी है जो आपके ये है कि भाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो पंद्रह बीस लड़कों ने जो भी कोचिंग की है ठीक है कोई बात नहीं आप मेरे नंबर पे फोन या मैसेज करना मैं बाकी जो भी होगी देखो देखो यहाँ पर क्वेश्चन की यहाँ पे देखो कि पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पैक्ट प्रिंटर ठीक है देखो ये जो मैराथन क्लास मैंने अभी सी की ली थी उस क्लास में भी क्वेश्चन आपके था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ऐसा भी था और क्लास नोट्स में भी इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में लिखा हुआ है तो कौन कौन से इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं कौन से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे मैंने क्लास में लिखवा रखे है तो यहाँ पे देखो प्रिंटर के बारे में समझ लेते हैं कि प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है प्रिंटर की जब भी बात की जाए तो जब पहला क्वेश्चन है प्रिंटर कि साहब प्रिंटर आपका क्या होता है और प्रिंटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो हमें समझना है कि प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो एज ए इनपुट में काम आते हैं और कुछ कंपोनेंट एज ए आउटपुट में काम आता है तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस जो होती है ये कैसी डिवाइस है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करती है तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और इसका उपयोग मूलतः हम कहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी को ठीक है किसमें चेंज करने के लिए किया जाता है हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पे देखो डीसी व्हील प्रिंटर पहला जो पार्ट दिया गया है डीसी व्हील तो डीजी व्हील जो आपका यूज किया जाता है वो एक प्रकार का कैसा प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ठीक है वह प्रिंटर जिसमें आपके किसी करने प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने के लिए जिसके अंतर्गत एक प्रिंटिंग हेड होता है प्रिंटिंग करने के लिए आपका इम्पैक्ट होता है तो ये जिन प्रिंटर्स में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है उन प्रिंटर को हम कैसे कहते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा लेजर तो लेजर प्रिंटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो याद रखना यहाँ पर जो ड्रम प्रिंटर है वो ड्रम ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का कैसा प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर, प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है प्रिंटर प्रिंटर लाइन का एग्जाम्पल आपका होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके देखो फाइल के एक्सटेंशन से संबंधित है तो ये कई बार मैंने आपको क्लास में औरली भी बताया है तो ये कई बार और भी बताया और कई बार समझाया भी है क्वेश्चन है कि आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट तो यहाँ पे देखो इसमें जो आपका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 8 wav और mid ठीक है wav जो होता है वो साउंड का फॉर्मेट होता है या फिर अगर बात करें mid भी होता है ठीक डॉट gif ठीक है यहाँ पर gif का मतलब होता है आपका कैसा है ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरचेंज ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो कि इमेज का एक फॉर्मेट है डॉट जेपीजी भी इमेज का फॉर्मेट है डॉट तो जेपीजी भी इमेज का फॉर्मेट है तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डब्ल्यू ए वी और एम आई डी आपका होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विषम चुनना है इनमें से कौन सा एक पार्ट है जिसे सुनना है तो ऑरेकल एसक्यूएल आपका एमएस एक्सेस तो यहाँ पे नोट्स में मैंने यहां पर आपको सॉफ्टवेयर लिखवा रखा है कौन सा डेटा सॉफ्टवेयर तो यहां पे देखो ऑरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर होता है ठीक है ये जो पार्ट आपके यूज किए जाते हैं एमएसएस एसक्यूएल ये जो सभी जो पार्ट आते हैं कि ये उदाहरण माने जाते हैं किसके आर डी बी एम एस के के सारे के सारे उदाहरण माने जाते हैं आर डी बी एम एस और आर डी बी एम एस का मतलब आपका होता है रिलेशनल ठीक है रिलेशनल डेटा बेस रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस की जब भी बात करें तो यहां पर कहा जाता है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है तो ये क्वेश्चन जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये वाला पार्ट है C++ की जब भी बात करें तो C++ एक प्रकार की कैसी लैंग्वेज है मुख्य तौर पर हम रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग भाषा है ये एक प्रकार की कैसी भाषा है प्रोग्रामिंग भाषा है बाकी सभी जो सॉफ्टवेयर होता है वो किससे संबंधित होते हैं डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर आपके होते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूछा गया है कि सात बिट आस कोड से संबंधित क्वेश्चन है आस्की का पूरा नाम आप सभी को पता है कि आस्की का जो पूरा नाम होता है जिसे नाम दिया गया है आपका कौन सा अमेरिकन स्टैंडर्ड हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से ये आपका जाना जाता है तो ये जो कोडिंग सिस्टम की बात की जाए जब ASCII कोड की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कि ये सब दो वेरिएंट्स में आता है। एक है एक कोड होता जो कि आपके बिट का होता है और एक कोड होता है आठ बिट का होता है तो ये सात बिट का मतलब टू की पावर सेवन तो मतलब अधिकतम करेक्टर हो गए एक सौ आठ बिट का मतलब होता है दो की पावर आठ मतलब टोटल कितने हो गए दो सौ छप्पन तो यहां पे देखो मैंने क्लास नोट में लिखवा रखा है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये आपका ए द्वारा परिभाषित किया गया सबसे प्रचलित कोडिंग सिस्टम है और एज इट इज मैंने क्लास में क्वेश्चन भी करवा रखा है कि एक सात बिट आस की कोड से कितने मान निरूपित किए जा सकते हैं और आंसर आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि टोटल कितने मान निरूपित हो सकते हैं टोटल 128 मान इससे निरूपित हो सकता है तो ये क्वेश्चन है एज इट इज आपके देखो क्लास में लिखवाया हुआ है और एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो ये अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तो ये यहाँ पर किसी भी आपकी भाषा में स्टेटमेंट लिखा हुआ है जब असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा में लिखे निर्देशों को समझ सकता है इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने के लिए एक भाषा अनुवादक का उपयोग करते हैं जिसे क्या कहा जाता है कहा जाता है तो यहाँ पर देखो एलयू की बात करें तो एलयू का तो मतलब जो होता है जिसे क्या नाम दिया गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इस वाले भाग का उपयोग किया जाता है किसके लिए गणना करने के लिए ए आपका कंट्रोल यूनिट है जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट से संबंधित कार्य करने की बात करता है आप कहते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है असेंबलर की जब भी बात करें तो असेंबलर एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है और ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके काम में लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्टम प्रोग्राम तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में जो आपका एग्जाम्पल आता है एक तो जैसे कंपाइलर हो सकता है एक है आपका इंटरप्रिटर हो सकता है इंटरप्रिटर के बाद में आपका जो अगला भाषा अनुवादक हो सकता है जिसे क्या कहते हैं असेंबलर। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले किसी भी सोर्स कोड को तो सोर्स कोड को हम किसमें चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं और सोर्स कोड कोड को में चेंज करने वाला भाग जो कि होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? Assembler कहा जाता है कौन सा सिक्योरिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हमारा काम में लिया गया वो सिक्योरिटी यूटिलिटी प्रोग्राम कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा असेंबलर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, के कौन कौन से होते हैं तो याद कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जब भी बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अवस्थ का नाम सुना होगा अवस्थ के अलावा जैसे की आप लोगों ने क्यों हिल का नाम सुना होगा इसके अलावा जैसे अवीरा के नाम से भी आता है जैसे एवीजी के नाम से भी आता है जैसे नोड थर्टी टू के नाम से भी आता है ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर हमारे काम में लिए जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं ठीक है यहां पर ये यह सभी एंटीवायरस के उदाहरण होते हैं ठीक है यहाँ पर जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कैसपर स्काई वो भी आपका एंटीवायरस है जैसे कि आप लोगों ने नोटन का नाम सुना होगा वो भी है इसके अलावा जैसे कि आपका मैकफी जो यूज किया जाता है वो भी किसका एग्जाम्पल है एनडी वायरस का ही एग्जाम्पल हो सकता है चलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू व्यू ऑप्शन पावर पॉइंट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यू एम एस पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं होता है ठीक है यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है अब पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो समस्या क्या है क्वेश्चंस की कहानी समझो आप यहाँ पर जब अब यहाँ पे जो समस्या क्या है कि क्वेश्चन किससे संबंधित पूछा गया देखो 2003 के संदर्भ में जाए तो 2003 के संदर्भ में जब जाएं तो वहां पर ठीक है आउटलाइन नहीं होता था ठीक है 2003 के अंदर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा व्यू नहीं होता आउटलाइन व्यू नहीं होता था ठीक है फिर इसके बाद में यहां पर अभी के केस में आउटलाइन भी होता है अभी के केस में जब पावर पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू तो होता है तो नॉर्मल व्यू आज के समय में अभी होता है तो ये आपका कैसा व्यू माना जाता है डिफ़ॉल्ट व्यू तो ये यहाँ पर ये कहा जाता है कि सभी स्लाइड को तो सभी स्लाइड को छोटे आकार तो सभी स्लाइड को छोटे आकार में दर्शाना तो सभी स्लाइड को छोटे आकार में दर्शाना होता है यहां पर कहा जाता है कि ये जो पार्ट आता है यहाँ पे कहा जाता है कि स्लाइड स्लाइड को आउटलाइन भाग ठीक है आउटलाइन भाग में दर्शाना मतलब किसी भी स्लाइड को आउटलाइन भाग में दर्शाने के काम आता है स्लाइड शो व्यू का मतलब होता है कि संपूर्ण स्लाइड ठीक है संपूर्ण स्लाइड को पूर्ण स्क्रीन पर पूर्ण स्क्रीन पर दर्शाना ये पहले की बात करते हैं पहले 2003 की बात करें तो यहाँ पे देखो रीडिंग व्यू भी होता है वेब लेआउट व्यू इस क्वेश्चन का आंसर ठीक गलत लगा हुआ है आंसर वेब लेआउट होता अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे होता आप 2003 की बात करें तो 2003 में कौन सा व्यू नहीं होता आउटलाइन अब दब यहां पे आजकल जब हम यहां पर यूज करेंगे जैसे पावर पॉइंट में खोलो यहाँ पे जब आप एमएस पावर पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे आज हम पावर पॉइंट की बात करें ठीक है जो आपका यूज होता है ठीक है उसमें अगर हम देखेंगे तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर ठीक ऑप्शन पावर पॉइंट नहीं डाल रखा है इसमें तो यहाँ पे पावर पॉइंट के अंतर्गत अब देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो स्लाइड शोटर तो होता ही होता है नॉर्मल होता ही होता है अब आउटलाइन व्यू की बात कर रहे हैं तो आउटलाइन व्यू पहले नहीं होता था अभी तो होता है ठीक है अभी होता है जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा जल्दी कमेंट करके बताइए ठीक है जल्दी से आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर बताओ कि यहां पर इसमें आउटलाइन व्यू आपका है आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू अभी नहीं होता है ठीक है यहां पर हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग ठीक है अकॉर्डिंग टू ठीक है 2007 2010 ठीक है 2013 2016 2019 2021 इनके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी

ठीक है आप लोगों ने अलग अलग तरह के ब्राउजर प्रोग्राम्स के नाम सुनेंगे जैसे नाम सुना होगा गूगल क्रोम ठीक है गूगल क्रोम ब्राउजर का नाम है ठीक है इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने मोज़ेक का नाम सुना होगा इसके अलावा जैसे सफारी नाम से ब्राउजर आता है ओपेरा के नाम से ब्राउजर आपका यूज किया जाता है ठीक है जैसे कि फायरफॉक्स के नाम से भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं जैसे कि गूगल क्रोम है वैसे ही आप एक ब्राउजर आपका यूज होता है जिसका नाम कौन सा है इंटरनेट ठीक है इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता है जैसे यूसी ब्राउजर भी आपका ब्राउजर है इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा नेटस्केप नेविगेटर नेटस्केप नेविगेटर भी एक प्रकार का क्या है ब्राउजर अभी लेटेस्ट जो ब्राउजर आपका यूज हो रहा है वो कौन सा है एज तो यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम तो नहीं हो सकता एक कंप्यूटर के अंतर्गत जो आपके किसी भी सिस्टम को मैनेज करने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वाले प्रोग्राम्स आपके यहाँ डिफाइन किए जाते हैं तो सिस्टम प्रोग्राम में कौन कौन से आते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक सिस्टम प्रोग्राम में जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है आपका लिंकर हो सकता है ठीक है लोडर आपका यूज हो सकता है ठीक है जिसे नाम दिया गया कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकता है इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला पार्ट है वो भी आपके इसी भाग में यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है भाषाएं जो आपके काम में ली जाती है वो भी और यहाँ पर यूटिलिटी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आपके सिस्टम प्रोग्राम में शामिल किए जाता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ब्राउजर प्रोग्राम होगा जिसे वेब ब्राउजर कहते हैं चलिए कमेंट करके बताइए कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है सर्च इंजन का एग्जाम्पल आपको बताना है ठीक है यहां पर सर्च इंजन का आंसर आप लोगों को बताना है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर्च इंजन का एग्जाम्पल जैसे कि किसी चीज को सर्च करने में जैसे गूगल यूज होता है जैसे आपका याहू यूज होता है जैसे बिंग यूज हो सकता है एमसन यूज हो सकता है ठीक है जैसे अल्टा विस्टा के नाम से भी सर्च इंजन आता है इसके अलावा हम कहते हैं कि एक सर्च इंजन आता है जिसे नाम दिया गया है कौन सा डक डक गो ये भी कैसा है सर्च इंजन अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि यहाँ पे सी डी आर पिछली क्लास में मैं सीडी के बारे में आप लोगों को समझा भी रहा था मैराथन क्लास में जिसमें लिए तो यहाँ पे देखो सीडी की जब भी बात करें सीडी का जो पूरा नाम होता है जिसे क्या कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क ठीक है सीडी एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और सीडी की जो क्षमता होती है वो 650 सौ से क्षमता लगभग 700 सौ होती है और ये जो डिवाइस हमारी काम में ली जाती है वो कैसी कहलाती है ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है ठीक है पहला ऑप्शन दिया गया कैन बी रीड ऑनली केवल रीड ऑनली है तो रीड ऑनली का मतलब आपकी जिससे होता है जिसे सी डी कहते हैं और सी डी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहलाता है अगला क्वेश्चन है आस्क मेनी टाइम्स बट कैन बी रिटर्न ओनली वंस ठीक है केवल रिटर्न ओनली में तो यहां पे कहा जाता है कई बार पूछा जा सकता है कई बार पूछा थोड़ी जा सकता है ठीक है रीड ओनली वंस बट कैन बी रिटर्न मेनी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सी अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने क्लास में लिखवा रखा है आपका सी डी सी डी आर एम का मतलब यहां पर होता है जिसे क्या कहते हैं राइट वंस राइट वंस रीड मैनी या फिर आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसी को कहा जाता है सी डी आर और सी डी आर का मतलब होता है जिसे रिकोडेबल कहा जाता है क्लास नोट्स में मैंने साफ साफ लिखवाया था कि यहाँ पर कि यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे सी डी का जो पार्ट दिखाया है उसमें साफ साफ दिखाया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला सवाल अगला सवाल है कि यहाँ पे बिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन इज करेक्ट टू तो फाइंड द सम ऑफ सेल्स टू तो ये एमूला है और इस फॉर्मूला में आप देखो क्वेश्चन भी एज इट इज लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है तो कौन सा फॉर्मूला वैलिड है तो सम ए वन से ए फोर ए वन हाई ये तो ये नहीं आता है टू नहीं आता है अब कॉलन है लेकिन इक्वल का साइन मिसिंग है तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो याद रखना कि हमेशा इसमें इस तरह से यूज किया जा सकता है डीवीडी और बीआरडी में डिफरेंस क्षमता का होता है डीवीडी में चार पॉइंट सात जीबी से सत्रह जीबी होती है बीआरडी में पच्चीस जीबी से कितनी जीबी होती है पचास जीबी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार

अगर डिफॉल्ट आपसे अगर पूछा जाए तो डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट साइज कितना होता है ग्यारह पॉइंट होता है लेकिन हो सकता है तो एक से लेकर सोलह तक हो सकता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आठ और कितना होगा बेहतर आठ और कितना होगा सेवेंटी टू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है वी लुकअप ये क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके फंक्शन एक्सेल में नोट में लिखवा रखा है ठीक है यहां पर कहा जाता है मिलते जुलते आपके रिकॉर्ड को ढूंढता है हम कहते हैं कि संबंधित रिकॉर्ड को ढूंढने वाला एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं वी लुकअप फंक्शन के नाम से जानते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज अब इस क्वेश्चन में स्टार लग सकता है वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में स्टार लग सकता है क्योंकि प्लस तो जो हमारा यूज किया जाता है वो एक प्रकार का कैसा ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया जैसे अर्थ है लॉजिकल की कहानी देखो क्लास में लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और और नॉट तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहां पर होगा वो कौन सा ऑपरेटर हो गया एक्सोर हो गया तो यहां पर ये आपका ग्रेटर देन जो ऑपरेटर दिया गया है जिसे कौन सा ऑपरेटर कहा गया कंपेरिजन ऑपरेटर कहा जाता है ठीक यहां पर अब इफ भी हो सकता है ठीक इफ भी हो सकता है यहाँ पर यह भी ठीक है यह भी हो सकता है ठीक है यह भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोपियट अगर बात करें तो कौन सा होगा और ठीक इसमें आपके जैसे और भी हो सकता है और का उल्टा नोर होता है जैसे एंड हो सकता है एंड का उल्टा जो होता है जिसे क्या कहा जाता है नैंड कहा जाता है जैसे आपका नोट वाला पार्ट भी हो सकता है एक्सोर नाम से ऑपरेटर यूज होता है इसके अलावा एक्सनोर आपका जो ऑपरेटर है वो भी काम में आ सकता है तो यहाँ पे इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं ऐसे पूछे जाते हैं अगले है वॉट वेन द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट सिस्टम आर कंप्लीटली नॉन इज एडवांस ये वह सिस्टम देखो यहाँ पर आपका जो सिस्टम शब्द आपका यूज किया गया है सिस्टम का मतलब यहां पर कहा जाता है कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ठीक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स तो हमारा कहा जाता है कि आपका सिस्टम का मतलब होता है संबंधित भागों का ठीक है संबंधित भागों का समूह अब अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं क्लोज हो सकता है यहां पे प्रॉबलिस्टिक हो सकता है ओपन हो सकता है जिसका आउटपुट पहले से ज्ञात हो कि हमें पूरी तरह से ज्ञात है कि जैसे आज अगर बात करें कोई इनपुट आप लेकर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि यहाँ पर ये पता होता है कि यहाँ पर कि कैसे कार्य करना है और किस तरह से जैसे आप चाय बना रहे हो तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सामग्री आप इनपुट में ले रहे हो और उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि सब्जी बनेगी रोटी बनेगी चाय तो से डिटर्मिनिस्टिक कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए टास्क इनटू ए सीरीज ऑफ कमांड टास्क उसे क्या कहते हैं तो है जो होगा मैंने लिखवा रखा है क्या कोडिंग या तो हम कह सकते हैं कोडिंग या फिर इसी को कहा जाता है आपका कौन सा कहलाता है प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस का मतलब तो अलग चीज होती है मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव डिलीवर करने के बाद सॉफ्टवेयर का जो होता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं सिस्टम की डिजाइन डिजाइन करने में जैसे अलग अलग मेथड यूज होते हैं जैसे आप लोगों ने फ्लो चार्ट का नाम सुना हो फ्लो चार्ट के अलावा जैसे अल्गोरिथम जो हमारी यूज होती है वो भी हो सकता है इसके अलावा जैसे हमारा कौन सा होता है सुड़, सुडो कोड भी आपका यूज हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है कंट्रोल प्लस वाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैं कई बार बता चुका हूँ कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडो और इसका रिवर्स जो होता है उसे क्या कहते हैं अंडो और अंडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड ये क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ कि कहा जाता है कि रिपीट और रीडू द लास्ट एक्शन ठीक जो आपने लास्ट एक्शन किया है उस एक्शन को आप वापस लाना चाहते हैं अलाइनमेंट देखो क्लोज द डॉक्यूमेंट क्लोज द डॉक्यूमेंट की कमांड होती है ऑल्ट प्लस की की का आप यूज करेंगे तो ये गलत हो गया अंडू अंडू करने कमांड कमांड जो होती है, कमांड होती है है लास्ट चेंज को align करना उसकी कंट्रोल प्लस जेड पैराग्राफ को अलाइन करना अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ को मार्जिन के साथ में लिखना अलाइन का मतलब यहां पे देखो आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आपके होम टैब में जाइए होम के अंदर एक ग्रुप दिया गया है और वो ग्रुप पे कौन सा ग्रुप दिया गया ग्रुप ग्रुप है और इस के अंदर आपके अलाइनमेंट होते हैं टोटल चार ये टोटल चार अलाइनमेंट होते हैं जैसे आप किसी भी दस्तावेज को सेंटर कर सकते हो कंट्रोल प्लस क्या ई किसी भी डॉक्यूमेंट को आप दोनों ओर लिख सकते हो जस्टिफाई कमांड होती है कंट्रोल प्लस जे किसी भी दस्तावेज को आप लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हो कंट्रोल प्लस एल किसी भी दस्तावेज को अलाइनमेंट आप राइट right कर सकते हो राइट right का मतलब होता है कंट्रोल प्लस ठीक है आर ये लिखवा रखा है कई बार आप देखोगे अगला क्वेश्चन है कि यहां पर इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है तो यहां पर देखो यूपीएस का मतलब यहां पर होता है अनइंटरप्टेबल ठीक है अन इंट्रप्टेबल ठीक है पावर सप्लाई ठीक है पावर सप्लाई और इसका जो मेन मुख्य भाग होता है वो भाग कौन सा कहलाता है बैटरी ठीक है बैटरी पाला पार्ट आपका यूज किया जाता है ठीक है और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा सीपीयू देखो प्रोसेसिंग में लिखवा रखा है इनपुट होगा प्रोसेस होगा और फिर होगा सीपीयू होगा और ये सीपीयू के अंतर्गत डेटा प्रोसेसिंग आपकी इस तरह से होती है क्लास में मेरा करवाया हुआ है तो इनपुट आउटपुट यूनिट इनपुट आउटपुट पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नली कनेक्टेड कंपोनेंट कंप्यूटर में अलग से जुड़ने वाले जो भाग आपके यूज होते हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं पेरिफेरल के नाम से जाने जाते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहां पे जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर को क्या कहलाता है 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 दर को को कहा जाता जाता बिट बिट रेट और बिट रेट और मेजर किया बीपीएस में और बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड ठीक है आप लोगों ने स्पीड पढ़ी होगी आजकल जैसे एमबीपीएस चलिए कमेंट करके बताओ एमबीपीएस का पूरा नाम क्या होगा ठीक है एमबीपीएस का पूरा नाम बताना है कमेंट करके बताइए कि एमबीपीएस का पूरा नाम क्या होगा MBPS का मतलब यहां पर क्या होता है है। पर सेकेंड कई लोग मेगा बाइट कर देते हैं जबकि आंसर क्या होगा मेगा बिट पर सेकेंड होगा नैनो रेट तो होती नहीं है नैनो का मान जो होता है दस की पावर नो पिक्सल रेट होती नहीं बोर्ड रेट का मतलब होता है सिग्नल चेंज सिग्नल चेंज होने की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं बोर्ड रेट कहा जाता है अगला सवाल देखिए अगला क्वेश्चन है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय द डिवाइस सीपीयू द टाइम टेकन टू तो प्रोवाइड ये सीपीयू द्वारा सिस्टम की बूटिंग में लगने वाला समय वार्म अप टाइम होता है एक समय में सीपीयू के पास देखो किसी भी डेटा को मेमोरी से सीपीयू में क्रियान्वित करने के लिए एक्सेस करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है एक्सेस टाइम कहलाता है तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा एक्सेस क्लॉक स्पीड जो आपकी मेजर की जाती है जिसे नाम दिया जाता है हर्ज ठीक है हर्ज का मतलब होता है जिसे कहते हैं क्लॉक साइकिल्स इन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में प्रदान की जाने वाली क्लॉक साइकिल की संख्या को मेजर करते हैं ठीक है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ चुका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए किया जाता है क्वेश्चन लिखा निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा आपका मोड ये जो आपका यूज किया जाता है वो किसके लिए होता है इंटीजर वैल्यू फैक्ट का मतलब आपका यूज किया जाता है जिसे कौन सा कहते हैं फैक्टोरियल डी आई वी का मतलब आप डिवीजन से संबंधित आपका यूज हो सकता है तो याद रखने अगला सवाल है देखो विच ऑफ ए पावर पॉइंट व्यू अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक पावर पॉइंट व्यू नहीं होता है ठीक है यहां पर कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं होता है ठीक है यहां पर आपका देखो स्लाइड व्यू होता है क्या प्रेजेंटेशन व्यू कुछ नहीं होता है तो ये प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ये यहाँ पर आपके जो मेनली व्यू होते हैं जैसे आजकल जो व्यू होते हैं जैसे कौन सा व्यू होता है नॉर्मल व्यू और नॉर्मल व्यू किसी भी प्रेजेंटेशन का कैसा व्यू होता है डिफॉल्ट एक व्यू आपका होता है जिसे नाम दिया गया कौन सा रीडिंग व्यू जो कि फुल स्क्रीन पे होता है एक व्यू आपका होता है आजकल जिसे आपका आउटलाइन व्यू कहते हैं एक व्यू आपका यूज होता है जिसे हमारा कौन सा कहते हैं स्लाइड शो व्यू कहते हैं और एक और व्यू आपका यूज होता है जिसे नाम दिया गया कौन सा स्लाइड शोटर व्यू के नाम से जाना जाता है ये आपके पांच तरह के व्यू आपके होते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट क्लिप तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि मैंने क्लास में कई बार लिखा रखा है कि रिबन टैब कौन सा है इनसाइट टैब इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन आपको करवाया था मैंने क्लिप आर्ट और कहा जाता है कि एम एस वर्ड के अंतर्गत रेडी टू यूज एमएस रेडी टू यूज का मतलब किससे होता है क्लिप आर्ट स्पेल चेक तो नहीं होता स्पेल चेक करने की कमांड होती है कौन सी एफ सेवन की और एफ सेवन की का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू एड क्लिप पार्ट क्लिप पार्ट को एड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसे हमारा डिफाइन किया गया चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे समझना है अगला क्वेश्चन है कि विच वेयर वेर डू फाइल्स गो इन विंडोज आफ्टर दे डिलीटेड देखिए डिलीट करने के बाद में फाइलें आपकी जो पार्ट में जाती है जिसे क्या कहा जाता है रिसाइकिल बिन तो यहां पर आपके रिसाइकिल बिन का उपयोग करते हैं डिलीटेड फाइल को और ये जो आपका यूज होता है एमएस वर्ड के अंतर एमएस विंडोज के अंदर डिफॉल्ट आइकन होता है ठीक है डिफॉल्ट आइकन का मतलब होता है विंडो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ग्राफिकल चिन्ह विंडो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो ग्राफिकल चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं रिसाइकिल बिन कंट्रोल पैनल की बात करें तो यहां पर कंट्रोल पैनल का मतलब होता है सेटिंग्स आपके किसी भी हार्डवेयर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो पार्ट होते हैं। माई डॉक्यूमेंट के अंदर कहा जाता है कि यूजर यूजर द्वारा बनाए गए यूजर द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट यूजर द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट को सेव करने वाला सेव करने वाला डिफॉल्ट फोल्डर ठीक है किसी भी यूजर द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने वाला डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है विंडोज एक्सप्लोरर का मतलब यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पर फाइल या फोल्डर ठीक है फोल्डर्स को दर्शाना जितने भी फाइल और फोल्डर होते हैं उन्हें दर्शाना होता है इसकी कमांड जो होती है कमांड आपकी यूज होती है जिसे कहा जाता है विंडोज लोगो ठीक है विंडोज लोगो के साथ में कौन सी की दबाओ ई की दबाओ तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या हो जाता है ओपन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला सवाल है आपका यहां पर एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं और टेक्स्ट फ्रंट लाइन पर फिट नहीं होता तो विजर को स्वतः नेक्स्ट लाइन में जाना यहाँ पे एम एस वर्ड दो में टेक्स्ट को स्वतः है अगली लाइन में ले जाना क्या कहलाता है उसे वर्ड रैप कहते हैं क्या कहते हैं वर्ड रैप कहते हैं देखो लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में जाना कौन सा कहलाता है वर्ड रैप के नाम से ही जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखो विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली तो यहाँ पे कहा जाता है कि परमानेंटली फाइल को डिलीट करना है तो कौन सी कमांड होती है शिफ्ट प्लस डिलीट ते डिलीट का मतलब तो यहां पे कहा जाता है कि करेक्टर एक करेक्टर को करेक्टर को माउस कर्सर माउस कर्सर की दाई ओर से दाई ओर से मिटाना दाई ओर से मिटाना होता है ये अगर किसी भी करेक्टर को बाई ओर से अगर मिटाना है तो बैक स्पेस और F2 का मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलना क्या कहलाता है रीनेम कहलाता है एज इट इज क्वेश्चन आपके लिखाया हुआ है कि यहां पर एम एस विंडोज के अंदर किसी भी फाइल को फाइनली डिलीट करना है तो कौन सी अगला क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना व्यवस्थित करना जो होता है वो क्या होता है आपका शॉर्टिंग होता है क्या आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो ए से जेड या फिर हम कहते हैं कि जेड से ए असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है उसे कहता है ऑटो का मतलब यहां पे कहा जाता है कि टेक्स्ट को text को स्वतः फिल करना कि यहाँ पर आप कुछ नाम लिखेंगे और वो पूरा आपका फिल हो जाता है फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है फिल्टरिंग का मतलब होता है कंडीशन आप कहते हैं कि कंडीशन के आधार पर आधार पर डेटा को दर्शाना ठीक है कंडीशन के आधार पर डेटा को क्या करना दर्शाना कमांड जो आपकी यूज होती है कमांड होती है कंट्रोल कंट्रोल के पास shift, shift के पास एल कंट्रोल प्लस प्लस एल अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है आपका कंटेंट ऑफ लोकेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस इज आइडेंटिफाइड है यहाँ पे देखो डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है आप सभी को पता है कि डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर सीक्वेंस डेटा नहीं होता यहां पर आपको मेटा डेटा मेटा डेटा का मतलब यहां होता है जिसे कहा जाता है डेटा अबाउट डेटा डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसे कहा जाता है मेटा डेटा ठीक है ये जो आपका यूज होता है इसे नाम दिया जाता है कौन सा मेटा डेटा और मेटा डेटा का जो क्रम में होता है इसे हम एक फाइल में स्टोर कर लेते हैं और उसे नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं डेटा डिक्शनरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन कहा जाता है कि कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट फंक्शन दोनों ही परफॉर्म कर सकता है तो यह संचार डिवाइस जैसे आप लोगों को क्लास में कई बार लिखवाया हुआ, हुआ है कौन सा मॉडर्न ठीक है मॉडेम के बारे में लिखा हुआ है मॉडुलेटर ठीक है मॉडुलेटर डी मॉड्यूलेटर के नाम से डिवाइस आती है जिसे मॉडेम कहा जाता है तो यहाँ पे मॉडेम का उपयोग अगर बात करें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के रूप में यूज किया जाता है तो याद रखना ये जो पार्ट आता है ये बाकी ये जो तीन डिवाइस है कीबोर्ड माउस और ये आपकी तीनों ही डिवाइस जिस प्रकार की डिवाइस मानी जाती है वो की कौन सी डिवाइस कहलाती है इनपुट डिवाइस कहलाती है कैसी डिवाइस है इनपुट डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन स्लाइड लेआउट दॉ गया कि स्लाइड के लेआउट में इनमें से कौन सा फंक्शन आपका उपलब्ध नहीं होता है तो आप स्लाइड का लेआउट अगर आप देखें तो स्लाइड के लेआउट में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट हो सकती है एनिमेशन हो सकता है टाइल्स तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि यहाँ पर इनमें से कौन सा स्लाइड लेआउट में अवेलेबल नहीं होता है जलिए जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा अवेलेबल नहीं होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए कि यहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ठीक है जल्दी से आंसर बताओ कि यहाँ पे स्लाइड लेआउट में कौन सा नहीं होता है टाइल्स नहीं होगा लिस्ट नहीं होगा चार्ट नहीं होगा कौन सा नहीं होगा याद रखिए कि स्लाइड में ये एनिमेशन नहीं होता है एनिमेशन तो हम कहते हैं कि किसी भी स्लाइड में डाले जाने वाले विशेष प्रभाव की बात करता है इफेक्ट की बात करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगले सवाल है ऑफ द द फॉलोइंग फीचर अलाउ यू टू नैरो डाउन इन मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा आपकी वर्कशीट में डेटा को कम करने की मतलब आवश्यकता के अनुसार डेटा दर्शाना बोले फालतू के डेटा को हटा दो तो यहाँ पे कहा जाता है मर्ज सेल का मतलब होता है दो या दो से अधिक अधिक सेल को अधिक सेल को आपस में मिलाना आपस में मिलाना हम कहते हैं दो या दो से अधिक सेल को आपस में मिलाना जो होता है वो क्या कहलाता है मर्ज सेल कहलाता है ठीक है, आपका फिल एंडलिंग का मतलब होता है कि ये बेसिकली काम आता है डेटा फिल है तो आप अगर बात करें आपका प्लस का साइन आ जाता है और उसको पकड़ के नीचे खींच देते हैं तो डेटा फिल हो जाता है फिल्टर का मतलब होता है कंडीशन के आधार पे दर्शाना आपका क्या कहलाता है फिल्टर शॉर्टिंग आपका होता ही होता है अरेंजमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होता है नेक्स्ट देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितने प्रतीक होते हैं ये आप सभी को पता है कि मैंने कंप्यूटर में कई बार बता रखा है कंप्यूटर में आपकी जो संख्या पद्धति जो होती है एक तो बाइनरी बाइनरी में दो अंक होते हैं बाइनरी के अलावा जैसे ऑक्टल ऑक्टल में आठ होते हैं ऑक्टल के अलावा जो कि कौन सा पार्ट होता है डेसिमल डेसिमल में टोटल 10 होते हैं हेक्साडेसिमल आपका यूज होता है और हेक्साडेसिमल संख्या जो पद्धति आपकी यूज होती है इसमें टोटल कितने होते हैं 16 इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 16 हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 16 प्रतीक होते हैं अगला है बायोस आपके कौन से भाग में होता है देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ये कंप्यूटर अनुदेशक में भी आया था बायोस का मतलब यहां पर होता है जिसे क्या कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट ठीक है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये जो आपका प्रोग्राम में मुख्य एक प्रोसेस से संबंधित होता है और ये जो प्रोसेस होता है जो कि कौन सा कहलाता है बुटिंग प्रोसेस कहलाता है और ये प्रोग्राम आपके एक मेमोरी में अवेलेबल होता है जिसे रॉम कहते हैं और रॉम कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे कौन सी मेमोरी कहते हैं नॉन वोलेटाइल आप कहते हैं कौन सी मेमोरी कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क डब्ल्यू ए एन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क और इसका एग्जाम्पल जो माना जाता है जो कि कौन सा होता है इंटरनेट ठीक है लैन का मतलब आपका जो होता है जिसे क्या कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क का जो एग्जाम्पल होता है जो कि वाईफाई वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है वाईफाई का पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं वायरलेस वायरलेस हैिटी आपके किसका एग्जाम्पल है वाईफाई का एग्जाम्पल होता है फिर रैम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है और इस मेमोरी को कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं रेंडम एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है इसे कंप्यूटर की कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं ये पेज साइज होंगे क्या नहीं जैसे हम कहते हैं पेज फाइव ए फोर हो सकता है ए थ्री फाइव हो सकता है ए फाइव हो सकता है लेटर आपका हो सकता है जैसे लीगल आपका हो सकता है ये सारे के सारे जो पार्ट आते हैं वो पेज साइज होते हैं तो याद रखना कि डिफॉल्ट ठीक है किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज का डिफॉल्ट होता है साढ़े आठ गुणा कितना इंच होता है ग्यारह इंच डिफॉल्ट होता है ठीक है पेपर का साइज आपका है पेपर का साइज या पेज साइज एक ही बात बोलो कि ये आपके कहलाते हैं पेज है ठीक है पेज ओरियंटेशन पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है और पोर्ट्रेट आपके किसी भी पेज का कैसा ओरिएंटेशन होता है डिफॉल्ट किसी भी आपके पावर वर्ड में डिफ़ॉल्ट ऑरियंटेशन आपका यूज होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर अगला जो पार्ट आता है जिसे आपका देखो फॉलोइंग डिवाइस कंटेन ए सिलेंड्रिकल ड्रम देखो सिलेंड्रिकल ड्रम किसमें होता है आप क्वेश्चन में देखो आंसर जो होगा आंसर सिलेंड्रिकल ड्रम होता है एक प्लोटर में फ्लैट बेड प्लोटर कह सकते हैं और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर ड्रम प्लोटर के नाम से भी के जान सकते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड हो सकता है क्या कीबोर्ड तो नहीं हो सकता कीबोर्ड नहीं हो सकता लेजर प्रिंटर नहीं जॉयस्टिक नहीं है तो ये सारी की सारी जो डिवाइस अगर प्रिंटर की बात करते तो प्रिंटर एक आपका प्रिंटर और यूज होता है जिसका नाम कौन सा है ड्रम प्रिंटर उसमें भी इस तरह से सिलेंड्रिकल ड्रम होता है लेकिन यहां पर पूछा गया कि यहां पर इमेज को रिसीव करने के लिए फोटो रिसेप्टर होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा अगला क्वेश्चन है देखो यहां पे 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर किस प्रणाली का यूज करते हैं देखो बिट का पूरा नाम क्या होता है भाई बिट का पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं बाइनरी डिजिट ठीक है बिट्स का उपयोग बाइनरी डिजिट और बाइनरी डिजिट का आधार कितना होता है दो तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दो

कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव करना कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड करना तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस एस सेव करना मतलब कंट्रोल प्लस एस होता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज एब्सोल्यूट रोल ऑफ रेफरेंसिंग तो मैंने तीन तरह के रेफरेंस आपको बताए थे तो ये आपको तीन तरह के रेफरेंस बताए हुए एक तो रिलेटिव होता है जैसे ए फोर लिखना है रिलेटिव आता है जिसे कौन सा कहते हैं एप्सुलट जैसे डॉलर ए डॉलर ये absolute. एक होता है जो कि कौन सा होता है मिक्स्ड जैसे डॉलर या फिर हम कह सकते हैं कि ए डॉलर ट्वेंटी वन ऐसा जो पार्ट है इसलिए याद रखना आंसर कौन सा होगा डॉलर ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखवा रखा है कि डॉलर का यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी होते हैं तो यहाँ पे देखो सीआर टी ठीक है यहाँ पर ये आपका कार्ड रीडर है कार्ड रीडर आपका सॉफ्ट कॉपी होता है स्कैनर स्कैनर भी आपका का उपयोग मेनली करते हैं एक हार्ड कॉपी हम कहते हैं कि हार्ड कॉपी को किसमें चेंज करना सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी को किसमें चेंज करना सॉफ्ट कॉपी आर तो एक प्रकार का मॉनिटर होता है मॉनिटर का मतलब हो गया कौन सा कैथोड रे ट्यूब हो गया प्रिंटर आपकी कहा जाता है प्रिंटर के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि ये एक डिवाइस है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस तो याद रखना हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट की बात की गई है तो जो कि कौन सा होता है प्रिंटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला सवाल तो ये अगला सवाल आपका दिया गया देखो समझो कि पेज टू क्रिएट तो यहां पर याद रखना पेज एमएस पावर पॉइंट की जब भी बात करें तो एमएस पावर पॉइंट में पेज क्या होता है स्लाइड शीट की बात कर रहा है तो शीट आपका किसमें यूज होता है एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल में जो पेज होता है शीट होता है और जब एमएस वर्ड की बात करेंगे तो एमएस वर्ड के अंदर एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है तो फाइल आपकी स्लाइड कहा जाता है नेक्स्ट देखो अगला एसडी रैम का पूरा नाम पूछा गया है तो एसडी रैम एक रैम का प्रकार होता है जिसे कहा जाता है सिंक्रोनस डायनेमिक ठीक है साइन डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं तो एसडी जो रैम होती है आपके एक तो एसडी रैम होती है डीडीआर रैम के नाम से भी जानी जाती है अगला क्वेश्चन है आपका विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूज आप सबको मैंने लिखवा रखा अभी लेटेस्ट लिखवाया था एनटीएफएस ठीक है आपका एफएटी का मतलब तो पहले काम आता था एफएटी तो पहले काम आता था एफएटी का मतलब होता है जिसे क्या कहा गया फाइल एलोकेशन ये फाइल अलोकेशन टेबल कहते हैं एनटीएफएस का मतलब आप सभी को पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आजकल जो विंडोज वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम आपका यूज किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल होता है इसे बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है ठीक है नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहते हैं उसका आ, नाम कौन सा होगा जॉन मका मार्क जगरबक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ये किसके संस्थापक है फेसबुक एलन ट्यूरिंग टूरिंग की जब बात की जाए तो एलन ट्यूरिंग संस्थापक है किसके कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर विज्ञान के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट मल्टीपल तो लिस्ट में डेटा है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही डेटा अलग अलग जगह पे होगा जैसे कई बार क्या होता आपने हो है आपने देखा होगा कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पर रिटेंडेंसी का मतलब तो होता है डुप्लीकेशन डेटा का यहां पर डुप्लीकेशन डेटा कॉन्करेंसी का मतलब होता है मल्टीपल कॉन्करेंट एक्सेस एक ही समय में एक से ज्यादा लोग एक ही डेटा को एक्सेस कर पाते हैं जैसे आपका रिजल्ट आता है उस समय आप भी देख सकते हो आपके पिताजी भी रिजल्ट देख सकते हैं वो कहलाता है तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पूछे गए हैं ठीक है आप लोग अपने साथियों के साथ में शेयर करिए ताकि ग्यारह तारीख वाले विद्यार्थियों को भी फायदा मिल सके ठीक है अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट